हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है इजी मैथ विद नीलम में। बच्चों, आज मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है समानुपात। इसको अंग्रेजी में प्रोपोर्शन बोलते हैं। समानुपात किसे कहते हैं? जब दो अनुपात यानी रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो उन्हें समानुपात यानी प्रोपोर्शन कहते हैं। अनुपात के बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया है, आप उसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये एक अनुपात है 2:4 और यहाँ पे एक अनुपात है 2:6। तो अगर ये आपस में बराबर हो तो ये आपस में बराबर कैसे होंगे? पहले हमें इसको देखना पड़ेगा कि ये आपस में बराबर है कि नहीं है। तो ये है 2:4, इसको हम लिख सकते हैं 2/4, 2 × 2, 2 × 4। हमने इसका सरलीकरण किया है जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है। और इसका अगर हम सरल करेंगे तो 3 × 3, 3 × 6, ये भी आया 1/2 और ये भी आया 1/2। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनुपात और ये अनुपात आपस में बराबर हैं, ठीक है? 2:4 और 3:6, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हमने यहाँ पे बराबर का निशान लगा दिया तो ये बराबर हो गया, लेकिन हमें क्या लगाना है? समानुपात का निशान। समानुपात को हम किस तरह से दर्शाते हैं? समानुपात को हम 2:4 समानुपाते 3:6 इस तरह से हम लिखते हैं। ये जो बीच में ये जो चार बिंदु वाला निशान है ये समानुपात को दर्शाता है, ठीक है? ये समानुपात को दर्शाता है, ठीक। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि 2:4 समानुपात 3:6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संबंध 2:4 से है या जो अनुपात 2:4 से है वही अनुपात 3:6 से है। इसलिए ये संख्या और ये संख्या आपस में क्या है? समानुपात है, ठीक है? इसको हम थोड़ा सा और भी अच्छा क्लियर कर दें आपके सामने कोई भी चित्र बना के। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, ठीक है, और इसी के सब साथ में एक ये दूसरा बॉक्स है, ठीक। इसमें हमने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे हमने दो बॉल रखी है और यहाँ पे हमने चार बॉल रखी है, ठीक है? ये बॉल है। अब एक जो दूसरा ब्लॉक है इसमें हमने यहाँ पर 3 बॉल रखी है और यहाँ पर 6 बॉल रख दी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। इसमें क्या है? 2 है और यहाँ 4 है, इसमें 3 है और यहाँ पर 6 है, यानी ये 2/4 है और ये कितना है? 3/6। मतलब अनुपात हमारा वही है, 1 और 2 का, यहाँ भी 1 और 2 का। इसका मतलब इस ब्लॉक का अनुपात और इस ब्लॉक का अनुपात आपस में क्या है? समानुपात है, ठीक है? जिस तरह से अनुपात में सिर्फ 2 राशियां होती हैं, उसी तरह से समानुपात में 4 राशियां होती हैं। कितनी राशियां होती हैं? 4 राशियां, ठीक। हम एग्जाम्पल इन्हीं दोनों का ले रहे हैं, जैसे 2:4 समानुपात 3:6, ये 4 राशियां हैं जो कि समानुपात में
शो हो रही है। ठीक है, तो इसमें दो और छह, ये जो दो और छह हैं इनको हम कहते हैं बाह्य पद। ठीक, और ये जो चार और तीन हैं हम इनको कहते हैं मध्य पद। ठीक है, दो और चार बाह्य पद, चार और तीन मध्य पद। इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये मान लीजिए ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, पांच अनुपाते पंद्रह समानुपाते छ अनुपाते सब अठारह। ठीक है, इसमें क्या है, पांच और अठारह ये दोनों क्या है, बाह्य पद हैं, और छ और पांच पंद्रह क्या है, मध्य पद, मध्य पद। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बाह्य पद किसे कहते हैं और मध्य पद किसे कहते हैं। अब बाह्य पद और मध्य पद में भी कुछ न कुछ संबंध होंगे, तो दोनों में क्या संबंध है हम इसको देखते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पद के गुणनफलों के, मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या ये सही है। तो पहला ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, दो अनुपाते चार समानुपाते तीन अनुपाते छह का, तो इसमें बाह्य पद क्या है, दो और छह, तो दो और छह का हमने गुणा किया, ये किसके बराबर होना चाहिए, मध्य पद के, मध्य पद हमारा क्या है, चार और तीन। ठीक, दो छक्का बारह और ये बराबर आया चार तीन बारह। ठीक है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर हैं, तो हमारी ये राशियां समानुपात हैं। चलिए इसमें भी हम देख लेते हैं, पांच गुणे अठारह, पांच गुणे अठारह बराबर पंद्रह गुणे छह है, पांच बाह्य पद है, अठारह बाह्य पद है, और इधर पंद्रह मध्य पद है, और इधर छह मध्य पद है। तो चलिए हम इसका गुणा करते हैं, आठ पंच चालीस को चार, अठ मेरा चार, पांच एकम पांच चार नौ, और इधर छह पंच तीस को जीरो, अठ मेरा तीन, छह एकम छह तीन नौ। हम देख सकते हैं कि इसमें भी ये बराबर है, अठारह पच्चे नब्बे, पंद्रह छक्का नब्बे। ठीक है, तो इसका मतलब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है मध्य पदों का गुणनफल के। ये तभी संभव है जब ये चारों राशियां, ये दो अनुपात आपस में बराबर है, जिसको हम समानुपात कहते हैं। अब हमारे सामने समस्या है कि कोई भी दो अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, तो हम उसे कैसे जांच करेंगे कि ये समानुपात में है कि नहीं। तो मान लीजिए हम कोई भी अनुपात ले लेते हैं, तीन अनुपात पंद्रह है और दूसरा अनुपात है छह अनुपात छत्तीस। ठीक है, एक अनुपात हमारे पास ये है और एक दूसरा अनुपात हमारे पास ये है। हमें इसे चेक करना है, हमें इसे देखना है कि क्या ये दोनों अनुपात समानुपात में है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसको अगर हम लेते हैं तो ये दोनों क्या है, बाह्य पद है, बाह्य पद, और इसमें ये और ये क्या है, मध्य पद है। ठीक, अब हम गुणा करते हैं, बाह्य पद तीन गुणे छत्तीस
और ये क्या है मध्य पद 15 गुणे 6, 3 6 18 क्वाटक में लगा 1 9 और 1 10 या 108 और ये 15 6 90। ये हम देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं है, ये 108 है और ये 90 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास अनुपात दिया हुआ था 3:15 और 6:36 ये समानुपात नहीं है, समानुपात नहीं है। ठीक है, अब क्या इन चार राशियों में से 3 राशियां दी हुई हैं और 1 राशि नहीं है, तो क्या हम चौथी राशि का को पता कर सकते हैं? तो उसके लिए भी हमारे पास इसी से हम पता करेंगे, ठीक है, बाह्य पदों के गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। तो हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है 8:24 समानुपात 10:1। अब यहाँ पे ये एक ब्लॉक दिया हुआ है, खाली जगह यहाँ पे भरना है कि यहाँ खाली जगह में क्या होगा, कौन सी संख्या होगी, जबकि हमें पता है कि ये समानुपात है। ठीक है, तो हम पहले मान लेंगे कि ठीक है हम यहाँ पे इसको x बना देते हैं, यहाँ पे कोई संख्या x है, तो x है तो बाह्य पद ये हो गया और मध्य पद ये हो गया। ठीक है, तो ये बाह्य पद की हम आपस में गुणा करेंगे और ये मध्य पद का आपस में गुणा करेंगे, ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो 8 गुणा x बराबर 24 गुणा 10। ठीक, तो x बराबर क्या होगा 24 गुणा 10 बटा 8। ये 8 कट गया 24 को काट दिया, 8 3 24 ये आया 3 गुणे 10 बराबर 30। यहाँ खाली जगह में क्या भरा जाएगा 30। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 4 राशियों में से अगर कोई भी 1 राशि नहीं है तो हम उसे किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने प्रश्न हल कीजिएगा और अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।